नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत्। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म खंड अध्याय 28 पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निरूपण। नारद जी ने पूछा, जगन्नाथ, जगद्गुरु, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ सुन लिया, अब आप ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म तत्व का निरूपण कीजिए। प्रभो, सर्वेश्वर ब्रह्म साकार है या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है अथवा वह विशेषणों से रहित अर्थात निर्विशेष ही है? ब्रह्म का नेत्रों से दर्शन हो सकता है या नहीं? वह समस्त देहधारियों में लिप्त है अथवा नहीं? उसका क्या लक्षण बताया गया है? वेद में उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त है या ब्रह्म स्वरूपणी ही है? श्रुति में प्रकृति का सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है? ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों में से किसकी सृष्टि में प्रधानता है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? सर्वज्ञ, इन सब बातों पर मन से विचार करके जो सिद्धांत हो उसे अवश्य मुझे बताइए। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान पंचमुख महादेव ठठाकर हंस पड़े और उन्होंने पर ब्रह्म तत्व का निरूपण आरंभ किया। महादेव जी बोले, वत्स नारद, तुमने जो जो पूछा है वह उत्तम गूढ़ ज्ञान का विषय है। वेदों और पुराणों में भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है। ब्रह्मन, मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग, धर्म और महाविराट, इन सब ने तथा श्रुतियों ने भी सब बातों का निरूपण किया है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारद, जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य तत्व है, उसका हम लोगों ने वेद में निरूपण किया है। प्राचीन काल की बात है, वैकुंठ धाम में मैंने, ब्रह्मा जी ने और धर्म ने श्री हरि के समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। उस समय श्री हरि ने उसका जो कुछ उत्तर दिया वह सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह ज्ञान तत्वों का सारभूत तत्व है। अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए नेत्र रूप है तथा दुविधा अथवा द्वैत नामक भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सर्वोत्तम प्रदीप के समान है। सनातन परब्रह्म परमात्म स्वरूप है। वह देहधारियों के कर्मों के साक्षी रूप से समस्त शरीरों में विराजमान है। प्रत्येक शरीर में पांचों प्राणों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विद्यमान है। मन के रूप में प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान अर्थात बुद्धि के रूप में स्वयं मैं हूँ और शक्ति के रूप में ईश्वरीय प्रकृति है। हम सब के सब परमात्मा के अधीन हैं। शरीर में उसके स्थित होने पर ही स्थित होते हैं और उसके चले जाने अर्थात संबंध हटा लेने पर हम भी चले जाते हैं। जैसे राजा के सेवक सदा राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग उस परमात्मा के अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है, वही कर्मों के फल का उपभोग करता है। जैसे जल से भरे हुए घड़े में पृथक पृथक सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है तथा उन घड़ों के फूट जाने पर वह प्रतिबिंब फिर चंद्रमा और सूर्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप जीव की उपलब्धि होती है तथा सृष्टिमयी उपाधि के नष्ट हो जाने पर वह प्रतिबिंब स्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मा में लीन हो जाता है। वत्स, संसार का संहार हो जाने पर एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। हम तथा यह चराचर जगत उसी में लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म मंडलाकार ज्योतिपुंज स्वरूप है। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में प्रकट होने वाले कोटि कोटि सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। वह आकाश के समान विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। योगी जनों को ही वह चंद्रमंडल के समान सुखपूर्वक दिखाई देता है।
योगी लोग उसे सनातन परब्रह्म कहते हैं और दिन रात उस सर्व मंगलमय सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। वह परमात्मा निरीह निराकार तथा सबका ईश्वर है। उसका स्वरूप उसकी इच्छा के अनुसार है। वह स्वतंत्र तथा समस्त कारणों का भी कारण है। परमानंद स्वरूप तथा परमानंद की प्राप्ति का हेतु है। सबसे उत्कृष्ट प्रधान पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे है। प्रलय के समान उसी में सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति लीन होती है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध में धवलता और जल में शीतलता लीन रहती है। मुनि, जैसे आकाश में शब्द और पृथ्वी में गंध सदा विद्यमान है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म में निर्गुण प्रकृति सर्वदा स्थित है। जब ब्रह्म सृष्टि के लिए उन्मुख होता है तब अपने अंश से पुरुष कहलाता है। वत्स, वही गुणों विषयों से संबंध स्थापित करने पर प्राकृत एवं विषयी कहा गया है। त्रिगुणा प्रकृति उस परमात्मा में ही उत्कृष्ट छाया रूपिणी मानी गई है। मुनि, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाने में सदा ही समर्थ होता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने में नित्य समर्थ है। जैसे सुनार स्वर्ण से कुंडल बनाने की शक्ति रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपादान भूता प्रकृति के द्वारा सदा सृष्टि करने में समर्थ है। जैसे कुम्हार मिट्टी का निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके लिए नित्य एवं सनातन है, तथा जैसे सुनार स्वर्ण की सृष्टि नहीं करता, स्वर्ण उसके लिए नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा नित्य है और वह प्रकृति भी नित्य मानी गई है। इसीलिए कुछ लोग सृष्टि में उन दोनों की ही समान रूप से प्रधानता बतलाते हैं। कुम्हार और सुनार स्वयं मिट्टी और स्वर्ण पैदा करके लाने में समर्थ नहीं है, तथा मिट्टी और स्वर्ण भी कुम्हार और सुनार को ले आने की शक्ति नहीं रखती। अतः मिट्टी और कुम्हार की घट में तथा स्वर्ण और सुनार की कुंडल में समान रूप से प्रधानता है। नारद, इस विवेचन से ब्रह्म प्रकृति से परे ही सिद्ध होता है। यही बात दृष्टि में रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म दोनों की ही निश्चित रूप से नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि ब्रह्म स्वयं ही प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त अर्थात भिन्न है। वह ब्रह्म परम धाम स्वरूप तथा समस्त कारणों का भी कारण है। ब्रह्मन, उस ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कुछ इस प्रकार सुना गया है। ब्रह्म सबका आत्मा है। वह सबसे निलिप्त और सबका साक्षी है। सर्वत्र व्यापक और सबका आदि कारण है। सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, जिससे वह ब्रह्म शक्तिमान है। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। योगी लोग सदा तेज स्वरूप में ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त वैष्णव जन ऐसा नहीं मानते। वे वैष्णव जन उस आश्चर्यमय तेजोमंडल के भीतर सदा साकार सर्वात्मा स्वेच्छामय पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान जो मंडलाकार तेज पुंज है, उसके भीतर नित्य धाम छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है। वह मनोहर लोक चारों ओर से लक्ष कोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों के सार तत्व से जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों तथा गोपांगनाओं से वह लोक भरा हुआ है। उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। चंद्रमंडल के समान ही वह गोलाकार है। रत्नेन्द्र सार से निर्मित वह धाम परमात्मा की इच्छा के अनुसार बिना किसी आधार के ही स्थित है। उस नित्य लोक की स्थिति वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ गौएं, गोप और गोपियाँ निवास करती हैं। वहाँ कल्प वृक्षों के वन हैं। गोलोक कामधेनु गौओं से भरा हुआ तथा रास मंडल से मंडित है। मुनि, वह वृंदावन से आच्छन्न और विरजा नदी से आवेष्टित है। वहाँ सैकड़ों शिखरों से सुशोभित गिरिराज विराजमान हैं। स्वर्ण निर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम है।
जिनसे वह अभीष्ट धाम अत्यंत दीप्तिमान एवं श्री संपन्न दिखाई देता है। उन सब के मध्य भाग में एक परम मनोहर आश्रम है जो अकेला ही 100 मंदिरों से संयुक्त है। वह परकोटों तथा खाइयों से घिरा हुआ तथा पारिजात के वनों से सुशोभित है। उस आश्रम के भवनों में जो कलश लगे हैं उनका निर्माण रत्नराज कौस्तुभ मणि से हुआ है, इसलिए वे उत्तम ज्योति पुंज से जाजल्लोमान रहते हैं। उन भवनों में जो सीढ़ियां हैं वे दिव्य हीरों के सार तत्व से बनी हुई हैं। उनसे उन भवनों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। मणिन्द्र सार से निर्मित वहाँ के किवाड़ों में दर्पण जड़े हुए हैं। नाना प्रकार के चित्र विचित्र उपकरणों से वह आश्रम भली भांति सुसज्जित है। उसमें 16 दरवाजे हैं तथा वह आश्रम रत्नमय प्रदीपों से अत्यंत उद्भासित होता रहता है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासन पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अंगकांति नवीन मेघमाला के समान श्याम है। वे किशोर अवस्था के बालक हैं। उनके नेत्र शरद काल की दोपहरी के सूर्य की प्रभा को छीने लेते हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की शोभा को ढक देता है। उनका सौंदर्य कोटि कामदेवों की लावण्य लीला को तिरस्कृत कर रहा है। उनका पुष्ट श्री विग्रह करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सेवित है। उनके मुख पर मुस्कुराहट खिलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। उनके मनोहर छवि की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे परम मंगलमय हैं। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए स्वर्ण के समान रंग वाले 2 पीतांबर धारण करने से उनका श्री विग्रह परम उज्ज्वल प्रतीत होता है। भगवान के संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कौस्तुभ मणि से प्रकाशित हैं। घुटनों तक लटकती हुई मालती की माला और वनमाला से वे विभूषित हैं। त्रिभंगी छवि से युक्त और मणिमाणिक से अलंकृत हैं। मोरपंख का मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्नमय मुकुट से उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रत्नों के बाजूबंद कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैर सुशोभित हैं। उनके गंड स्थल रत्नमय युगल कुंडल से अत्यंत शोभा पाते हैं। उनकी दंत पंक्ति मोतियों की पंक्ति का तिरस्कार करने वाली है। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके ओठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। उन्नत नासिका उनकी शोभा बढ़ाती है। सब ओर से घेरकर खड़ी हुई गोपांगनाएं उन्हें सदा सादर निहारती रहती हैं। वे गोपांगनाएं भी सुस्थिर यौवन से युक्त मंद मुस्कान से सुशोभित तथा उत्तम रत्नों के बने हुए आभूषणों से विभूषित हैं। देवेंद्र मुनीन्द्र मुनिगण तथा नरेशों के समुदाय और ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत तथा धर्म आदि उनकी सआनंद वंदना किया करते हैं। वे भक्तों के प्रियतम भक्तों के नाथ तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। राधा के वश स्थल पर विराजमान परम रसिक राशेश्वर हैं। मुनि वैष्णव जन उन निराकार परमात्मा का इस रूप में ध्यान किया करते हैं। वे परमात्मा ईश्वर हम सब लोगों के सदा ही ध्येय हैं। उन्हीं को अविनाशी परब्रह्म कहा गया है। वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन भगवान हैं। वे निर्गुण निरीह और प्रकृति से परे हैं। सर्वाधार सर्वबीज सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वेश्वर सर्वपूज्य तथा संपूर्ण सिद्धियों को हाथ में देने वाले हैं। वे आदि पुरुष भगवान स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है और वे अपने पार्षद गोपालों से घिरे रहते हैं। उन पर पूर्णतम भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं। वे सदा श्री जी के साथ रहने वाले और श्री राधिका के प्राणेश्वर हैं। सबके अंतरात्मा सर्वत्र प्रत्यक्ष दर्शन देने के योग्य और सर्वव्यापी हैं। कृष का अर्थ है सब और रण का अर्थ है आत्मा। वे पर ब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और रण कार आदिवाचक है।
वे सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदि पुरुष हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। वे ही भगवान अपने एक अंश से वैकुंठ धाम में चार भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। चार भुजाधारी पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। वे ही जगतपालक भगवान विष्णु अपनी एक कला से श्वेत द्वीप में चार भुजाधारी रमापति रूप से निवास करते हैं। समुद्र तनया रमा उनकी पत्नी है। इस प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म निरूपण विषयक सब बातें बताई। वे परमात्मा हम सबके प्रिय वंदनीय सेव्य तथा सर्वदा स्मरणीय हैं। शौनक, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब नारद ने गंधर्वराज उपवरहण द्वारा रचे गए स्तोत्र से उनकी स्तुति की। मुनि के उस स्तोत्र से संतुष्ट हो अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले आदि भगवान मृत्युंजय ने उन्हें अभीष्ट वरदान ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनिवर नारद के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्यमय नारायण आश्रम को चले गए। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 28 संपन्न। जय राधा माधव।